इस वक्त की बड़ी खबर पीओके से निकल कर आ रही है कि अभी अभी पीओके पर आर्मी के हमले की वजह से पाकिस्तान की आर्मी पीछे हट चुकी है। खबर यह आ रही है कि पीओके पूरी तरीके से खाली हो रहा है और इस हमले की वजह से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, पीओके का सपना जो बहुत दिनों से हर भारतवासी देख रहे थे, अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। पीओके अब भारत के अंदर शामिल होने जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की आर्मी अब पीओके हमेशा के लिए छोड़कर निकल रही है। बता दें, खबर के मुताबिक यह बात की पुष्टि हो चुकी है कि पीओके में अभी भी टीपीपी के आर्मियों ने ताबड़तोड़ हमला किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी पीओके के कई इलाकों से पीछे हट चुकी है। और अब यह बिल्कुल सही मौका है जब भारत उस जगह पर फिर से एंट्री मारे और पीओके को पूरा कब्जा ले, क्योंकि जो टीपीपी के आतंकवादियों ने पीओके पर हमला किया है, उनका मेन मकसद पीओके को कब्जाना नहीं है, उनका मेन मकसद बस पाकिस्तान आर्मी को मार गिराना था। मारने के बाद वो चले जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी पीओके छोड़कर भागी है, वो जगह पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अब उस जगह पर अगर इंडियन आर्मी जाना चाहे तो बिना मार काट के वहां तक पहुंच सकती है और उस जगह कब्जा सकती है। इस पर आपकी क्या राय है?